सो फाइनली होटल में हम लोग फ्रेश होके और अभी बाहर आ चुके हैं। टाइम ऑलरेडी 5:30 हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे पटाया बीच की तरफ। यहीं से 1.2 किलोमीटर है, सिर्फ बाय वॉक करके ही जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा ही नहीं करेंगे, देखते हैं अगर बाइक फाइक रेंट में मिलेगा तो पहाड़ की तरफ थोड़ा जाएंगे, बाइक फाइक में घूमेंगे, मस्ती करेंगे। बैंकॉक से पटाया बहुत ही नीट एंड क्लीन है और ये जो रोड बीच की तरफ जाता है, आगे एक बड़ा सा चौक है और उसी से हम लोग थोड़ा राइट लेंगे। राइट लेने के बाद आएगा द फेमस पटाया बीच। थाईलैंड में QR कोड जैसे हम लोग का UPI पेमेंट है वैसा ही QR कोड पेमेंट सिस्टम है, लेकिन उतना सक्सेस है नहीं। सब दुकान के पास में हम लोग देखे हैं, सब दुकान के पास मैं देखा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितना भी लोग है यूज ही नहीं करते, सब कोई कैश में यूज करते हैं। इंडिया जैसा UPI जैसा सक्सेस है इंडिया में हुआ है वैसे हुआ नहीं है, शायद चाइना में सक्सेस हुआ है लेकिन थाईलैंड में है लेकिन उतना हुआ नहीं है। पटाया सिटी हॉल, हॉल मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोग्राम होता है? ओ नेट से पता चलेगा ना पटाया में कौन सा क्या पार्टी हो रहा है, वो दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग बीच की तरफ जा रहे थे, एक बहुत ही बड़ा सा मॉल है, नाम है टर्मिनल 21। थाई लोग जितना भी है जो बैंकॉक में रहते हैं या बाहर के किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, चांगमाई में रहते हैं, अभी जैसे कि न्यू ईयर है हम लोग बीच सिटी को जाने के लिए प्रिफर करते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। सो यहाँ पर भी ऐसे सब जितना भी थाई लोग है सब बीच सिटी आ रहे हैं, घूम के जाएंगे। सो यार बहुत ही बड़ा मॉल है, ये जो मॉल है यहीं से शुरुआत होता है पूरा लास्ट तक, टर्मिनल 21 ज़बरदस्त मॉल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सा प्लेन ऐसे शोकेस करके रखा गया है, शायद ऊपर होगा कुछ विजिट करने के लिए, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। यहाँ पे सब स्ट्रीट फूड से भरा हुआ है। नहीं बाय वॉक करके घूम घूम के हम लोग जो वॉकिंग स्ट्रीट के पास पहुंच चुके हैं और सुबह से खाली हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हुआ था और मेरा लंच कुछ नहीं हुआ था और इसलिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं। बैंकॉक में जितना भी इंडियन रेस्टोरेंट है, बैंकॉक हो गया, पटाया हो गया, इंडियन रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं। यहाँ का थाई फूड तो हम खा नहीं सकते और इंडियन रेस्टोरेंट का फूड बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली चिकन बिरयानी 250-300 भाट, मतलब आपका हो जा रहा है 650-700 रुपये। और यहाँ पे हम चिकन करी एक मंगाए 270 भाट का और दो राइस, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। और खाने के बाद हम लोग जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे रूम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, नया वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी थाईलैंड का फेमस बीच सिटी पटाया में और हम लोग आके सुबह आज पहुँचे थे और पटाया में अभी फेमस प्लेस वॉकिंग स्ट्रीट में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये फ्रेंड्स वॉकिंग स्ट्रीट का पूरा डिटेल्स व्यू, नाइट लाइफ कैसा है पटाया का, मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं वॉकिंग स्ट्रीट का बोर्ड लगा है और वॉकिंग स्ट्रीट में गाड़ी अंदर नहीं जा सकता, यहीं से गाड़ी लेफ्ट की तरफ चली जाएगा और सिर्फ वॉक करके आप वॉकिंग स्ट्रीट का एंजॉय ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्समास के लिए सब प्रोग्राम रेडी है, मतलब पूरा पटाया सिटी रेडी है न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सब आए हैं एंजॉय करने के लिए न्यू ईयर सिटी को अच्छी तरह से, एक मेमोरी बनाने के लिए। वॉकिंग स्ट्रीट में दोनों तरफ खाली बार पॉप मिल जाएगा और वॉकिंग स्ट्रीट
ऊपर पुलिस जो है प्रोटेक्शन देते हुए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पुलिस नॉर्मली जो टूरिस्ट लोग को हेल्प करेगा। सो अभी जस्ट माहौल शुरू हुआ है, अभी शाम का सिर्फ टाइम हुआ है, 8 बजने वाला है, 7:55, मतलब जस्ट अभी नाइट लाइफ शुरू हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट में। और यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट का वाइब देखिए, अलग ही लेवल का वाइब है, अलग ही लेवल का। तो यहाँ पर जादू करतब करते हुए, जादू टाइप का करते हुए एक मतलब जो स्ट्रीट परफॉर्मर मैंने हाँ देखा जी, ये बोलो जी तो तार रे नहीं तो अभी इतना टूरिस्ट आए नहीं है, मतलब जितना टाइम हुआ नहीं है, धीरे धीरे करके टूरिस्ट आ रहे हैं और क्लब सब धीरे धीरे करके ओपन होने वाला है या हो रहा है। खाओसांग में जितना भी बार पॉप था, सो मैक्सिमम स्ट्रीट में उन लोग अपना शॉप ओपन किए थे यहाँ पर, लेकिन पूरा रोड में नहीं है, सब कुछ अंदर में है, जितना पॉप है सब अंदर में ही है, एक दो गारमेंट शॉप भी है और एक दो रेस्टोरेंट भी है। ये बहुत लंबा ही स्ट्रीट है, जम्बा मतलब क्या 400-500 मीटर होगा मेरे हिसाब से। जेसी जलवा का क्लब पटाया। सो यहाँ पर इंडियंस भी कुछ पॉप्स है, मैं सुना था मेरे दोस्त से, एक बड़ा क्लब है। น้ำตามักไหลมาเองบางทีต้องเป็นจนกัดปากดูไหมมันทรมานที่ฉันต้องยิ้มและจับฉากเพื่อบอกคนอื่นว่าลืมเสียได้บอกคนอื่นไปว่าเราสองคนมันตัดขาดและภาวนาให้เธอเข้มแข็งและใครจะรู้ว่าใจฉันกดดันนะเดี๋ยวบอกให้ดีลัมบาสตรีทให้วอล์กอินสตรีทฮะยังไงจะโปรโพสชื่อมันต้องต้องใส่เสื้อTurkey size. New York के लिए बहुत सारा इंडियन आए हुए हैं। जितना बाहर रेस्टोरेंट है उतना हिसाब से टूरिस्ट तो नहीं लग रहा है। ए,
ये लीला क्लॉक देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा क्लॉक है। चलो 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 देखते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा 7-Eleven मिलेगा, समझा? अबे बाप रे, ये कितना बड़ा है, कौन भी कौन है, कौन थी लॉबस्टर। एक एक तो एक एक किलो का, 3-3 किलो का, इतना बड़ा मैं आज तक नहीं देखा था। ना बड़ा बड़ा लॉबस्टर है व्यक्ति, और बस लास्ट को जाके फिर रिटर्न करेंगे। बाउंसर का तो देखो, जादूगर
ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଠି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେପଟେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଚ୍ ତଳକୁ ସେଇ हो चुका है। हम लोग एक बार जाके उस तरफ घूम के फिर से आ चुके हैं। सो फाइनली वॉकिंग स्ट्रीट का पूरा वीडियो मैं दिखा चुका हूं और आज का ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो कोई मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।